सिंपल्स कुकिंग पॉइंट। आज मैं बना रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक। एगलेस चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल मैदा, 3 चम्मच पाउडर शुगर, इसे चीनी पीस के मैंने पाउडर बना लिया था, ये 5 बर्बन बिस्किट का पाउडर है, इसे बिस्किट को पीस के मैंने पाउडर बना लिया था। आप बर्बन की जगह ओरियो ले सकते हैं, हाइड एंड सीक ले सकते हैं, जो आपके पास हो। 1 गिलास दूध, 1 छोटा कप घी, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 डेकोरेट करने के लिए मैंने चॉकलेट सिरप लिया है और ये 1 चॉकलेट लिया है। एक एक मैं कुकर में बनाऊंगी, ओवन में नहीं। गैस ऑन करते हैं सबसे पहले, इसे रखेंगे हम कुकर। कुकर में डालेंगे नमक, इसको फैला लेंगे। इस पे लगाएंगे ढक्कन, ढक्कन का हम सीटी रबड़ निकाल देंगे, इसको बंद करके गैस फ्लेम लो कर देंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें रखेंगे हमें छलनी, इसमें डालेंगे मैदा, ये बिस्किट का पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये मैंने छान लिया है। अब इसे एक साइड रखते हैं, लेते हैं दूसरा बाउल, इसमें डालेंगे हम घी, अब डालेंगे पाउडर शुगर, से मिला लेते हैं। और इस बीटर से इसे बीट करते हैं। इसमें हम ये मिक्सचर जो हमने बिस्किट और ये मैदे का सोडा डाल के बनाया था, और इसमें डालेंगे दूध। दूध थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे, जितने दूध की ज़रूरत होगी हमें उतना ही लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक हो ना थिन। ये लेंगे अब केक टीन और ब्रश से इसे ग्रीस कर लेंगे। अब लगाएंगे इसमें बटर पेपर, बटर पेपर मैंने इसी के साइज का काट लिया था। बटर पेपर के ऊपर से भी हम इसे ग्रीस कर लेंगे। ये बैटर टीन में डालेंगे, ये टीन ऊपर तक नहीं भरनी है, थोड़ा खाली रखना है क्योंकि केक फूलने के बाद ऊपर आएगा। टैप कर लेते हैं, इस तरह से टैप कर लेंगे एयर बबल्स निकलते हैं। चलिए अब देखते हैं कुकर। अच्छी तरह से हीट हो गया है। अब इसमें लगाएंगे हम स्टैंड। ये कुकर हमारा बहुत गर्म है, तो संभाल के इसे लगाए, नहीं तो आग जल जाएगा। अब इसमें एक केक टीन हम रख देंगे।
इसे हम लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। 40 मिनट हो गया है, चलिए देख लेते हैं केक हमारा बेक हुआ कि नहीं। केक हमारा बेक हो गया, गैस बंद कर देते हैं और एक टूथपिक डाल के देखते हैं। केक हमारा बेक हो गया, टूथपिक बिल्कुल साफ आई है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठंडा हो जाए तब मैं इसे डेकोरेट करूँगी। इसे ठंडा होने देते हैं, ये केक मेरा ठंडा हो गया है, इसे 20 से 25 मिनट ठंडा होने में लगे। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे, प्लेट को ऐसे लगा के ऐसे। टैप करेंगे और निकाल लेंगे। अब इस पर हम गिराएंगे ये चॉकलेट सिरप, पूरे केक पे फैला देंगे। घुमा घुमा के हर तरफ से लगा देंगे। इसे फ्रिज में हम 15-20 मिनट ठंडा करेंगे ताकि ये चॉकलेट सिरप जो है थोड़ी सी जम जाए, फिर ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। चॉकलेट केक जब तक हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम कुछ फ्लावर बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है कि बर्बन बिस्किट, उसका पाउडर बना लिया है। अब इसमें डालेंगे हम चॉकलेट सिरप, थोड़ा सा दूध, बहुत थोड़ा सा, और इसको मिला लेंगे। अच्छे से खूब मिला लेंगे। छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। गोल करके ऐसे ऐसे दबा दबा के पतला कर लेंगे। दूसरा लेंगे, ऐसे दबा दबा के चार ऐसे रख के इसको हम रोल करेंगे। धीरे धीरे ऐसे फ्लावर बना लेंगे। और
पीछे का नाइफ से निकाल देंगे पीछे का हिस्सा। ये हमारे फ्लावर, अब इसको ऐसे पत्तियों को हम बाहर की तरफ मोड़ देंगे। देखिए बन गए हमारे फ्लावर, ऐसे ही सारे फ्लावर बना लेंगे। केक निकाल लेते हैं। चॉकलेट ग्रेट कर लेते हैं। अब ये ग्रेट किया हुआ चॉकलेट हम इस पे डाल देते हैं। इस पे हमें रोज फ्लावर लगा लेते हैं। थोड़ा सा बिस्किट का डो बच गया था, इसको गोल करके यहाँ रख देते हैं। केक हमारी बनके तैयार हो गई है। इसमें हमने ना कोका पाउडर का यूज़ किया है, ना मैंने माइक्रोवेव ओवन का यूज किया है, मैंने घर पे पड़े हुए सामान से ही बनाया है इतना यम्मी चॉकलेट। आप भी बनाइए। देखिए कितना अच्छा चॉकलेट बना है मेरा, आप भी बनाइए खाइए।